हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा 4 अप्रैल वो भी आपके सुबह 7 बजे तक कितने फॉर्म किस जोन से भरे जा चुके हैं और किस जोन में अभी तक आपके कम फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और किस जोन में आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। उसी जोन के अकॉर्डिंग आप चूज करें कि किस जोन से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि पिछली बार भी आपकी वैकेंसी निकली थी, उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहा था और उसकी कट ऑफ ये थी रह रही थी कि उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा रही थी। तो इस बार आप वापस आपको चांस मिला है इस भर्ती के लिए और वापस आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो सोच समझ कर फॉर्म में अप्लाई करना, जिससे कि तुम्हें अच्छे से मार्क्स लेके आ पाओ और उसकी कट ऑफ को पार कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपको किस जोन से फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए और कहाँ पर आपका कंपटीशन कम रहने वाला है। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और बने रहिए अपने साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं तो उन चैनल जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से आपसे रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि और भी अपडेट जैसी आती है, जिससे आपके फॉर्म फिलअप होते आते हैं, वैसे वैसे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराता रहूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं अपन फ्रेंड्स। तो पहला जो जोन है आपका साउथर्न रेलवे चेन्नई, इसके अंदर जो सीट है आपकी टोटल 9,579, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं आपके 5,20,321। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपकी ये फॉर्म फिलअप करने की जो संख्या मैंने आपके यहाँ पे आपका जो मालूम करी है वो कैसे करी। तुम्हें करना क्या है, जैसे ही तुम किसी भी RRC की जोन पे जाओ और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर करना, रजिस्ट्रेशन नंबर करने के बाद क्या होता है कि उसकी जो शुरुआत की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन फोर्थ डिजिट को आप बाहर निकाल देना और बकाया जो डिजिट बचती हैं वो आपकी फॉर्म फिलअप करने की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आप खुद पता लगा सकते हो कि कैसे आपके किस जोन में फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, तो यही मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये डाटा निकाला है और देख सकते हो। तो साउथर्न रेलवे हो गया, नेक्स्ट देखते हैं अपने आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, इसकी जब बात करें तो टोटल जो सीट हैं उसके अंदर आपकी 1,664 है और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके अंदर 1,75,309। नेक्स्ट जो है अपने आप है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, इसके अंदर टोटल जो सीट की बात करें वो 4,730 है, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके अंदर आपके टोटल 4,74,312। अच्छा खासा कंपटीशन है आपका। नेक्स्ट जोन की बात करें आपके यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, तो इसके अंदर जो टोटल सीट की बात करें 3,562 है, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 2,50,765। और नेक्स्ट जोन की बात करें आपके नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, इसके अंदर जो टोटल सीट है आपकी 4,02 है और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 3,03,211। नेक्स्ट जोन अपना साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, इसके अंदर जो टोटल सीट है आपकी 7,167 और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं आपके 2,96,320। नेक्स्ट जोन है अपना नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, इसके लिए टोटल सीट की बात करें आपके यहाँ पे तो 5,249 जो टोटल सीट है, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके अंदर 5,08,325। नेक्स्ट जोन है अपना नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली, इसके अंदर जो टोटल सीट की बात करें तो 13,153 टोटल सीट है, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 7,97,321। अच्छा खासा जो पोस्ट है वो आपका न्यू दिल्ली के अंदर ही है, नॉर्थ रेलवे के अंदर है, अच्छा खासा पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर है और आपका कंपटीशन भी जहाँ तक संभव है इसी के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट जो है अपना सेंट्रल रेलवे मुंबई, इसमें जो टोटल की सीट की बात करें आपकी 9,345 है और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके अंदर 4,53,743। नेक्स्ट जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, इसमें जो टोटल सीट की बात करें तो 4,019 है, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 2,90,512। नेक्स्ट जो है अपना ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, इसमें जो टोटल सीट की बात करें तो 2,55,555 और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 1,92,775। नेक्स्ट जो है अपना ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जो टोटल सीट की बात करें इसके अंदर 10,853 है, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं आपके 4,99,780।
नेक्स्ट जो है अपना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, इसमें जो टोटल सीट की बात करें तो 2894 है, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं आपके 206,865। नेक्स्ट जो है अपना साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, टोटल सीट है इसके अंदर आपकी 4,914 और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 187,681। नेक्स्ट जो है अपना साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद और टोटल जो सीट है इसके अंदर आपकी 9,328 और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं आपके 535,378। नेक्स्ट जो है अपना वेस्टर्न रेलवे मुंबई, इसमें जो टोटल सीट की बात करें तो 10,734 और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 392,432। अच्छा खासा सीट है इस वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंदर, 10,000 सीट हैं और अभी तक केवल ओनली फॉर 392,432 फॉर्म ही फिलअप हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है अपना साउथर्न रेलवे चेन्नई, इसमें जो टोटल सीट की बात करें आपकी 9,579 है, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं आपके 520,321 अभी तक इसमें हो चुके हैं, अच्छे खासे सीट इसमें भी है। और नेक्स्ट में अपना साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, इसमें जो टोटल सीट की बात करें तो 1,664 है, टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके अंदर आपके 1,75,309। नेक्स्ट जो है अपना नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, इसके अंदर टोटल जो सीट हैं आपकी 4,733 और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 4,74,312। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे डाटा का हो चुका है यहाँ पे, और जो बचे कुचे डाटा हैं आपके वो आपको अपडेट करते कराते जाएंगे, जैसे जैसे डेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। तो फ्रेंड्स, इन डाटा को देख के अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म को फिलअप कर लेना और सोच समझ कर अच्छी जगह से फॉर्म फिलअप करना, जहाँ पे आपका कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला नहीं है वो, और आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन RRSC को देख कर खुद अपना फॉर्म फिलअप कर लें और चूज कर लें कि किस जोन से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना, और इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए लगातार बने रहिए अपने साथ। फिर मिलते किसी नई न्यूज़, तब तक के लिए बाय।